हेलो गाइस, वेलकम टू अलर्ट्स फॉर यू। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि माय गवर्नमेंट की तरफ से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जी हाँ, मतलब उसमें आप किसी भी फील्ड से, जैसे कि प्रोग्रामिंग से हो, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग से हो, या फिर मैनेजमेंट से हो, या फिर HR, या फिर अलग अलग फील्ड्स है, उस फील्ड्स में आप वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में पूरी डिस्कस करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बने रहें हमारे साथ। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप तक जो भी हमारी वीडियोज़ आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए गाइस, इसे स्टार्ट करते हैं। ये इस साइट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे जब आएंगे innovateindia.mygov.in, तो यहाँ पे आपको मतलब कुछ इनिशिएटिव्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पे माय गवर्नमेंट इंटर्नशिप है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मतलब आप देख सकते हैं जिस चीज़ को, जैसे टेक चैंपियंस ऑफ इंडिया, आज़ादी के सेनानी, एंड CSIRS, सोशल प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक, एंड उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण चुनौती 2021, कॉल फॉर पेपर्स IIGF 2021। इस मतलब इस तरह की इनिशिएटिव्स यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं बार बार। ठीक, हम इसमें माई गवर्नमेंट इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे। तो इस इंटर्नशिप के बारे में अगर बात करें तो ये जो है मतलब माई गवर्नमेंट इज़ अ सिटीजन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आवर मैंडेट इज़ टू हाईलाइट द पॉजिटिव की फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ द गोल एंड इट्स मेनी मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स, एंड एंगेज विद आवर यूजर्स, एंड थ्रू वेरियस यूथ सेंट्रिक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इंगेजमेंट एक्टिविटीज इंगेजमेंट्स मीन्स एक्टिविटीज़, वी आल्सो पार्टनर विद डिफरेंट मिनिस्टर्स इन ऑर्डर टू प्रमोट दियर वेरियस पॉलिसीज, कलेक्ट पब्लिक फीडबैक एंड इंश्योर सिटीजन पार्टिसिपेट इन वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। ये सब चीज़ों के लिए माई गवर्नमेंट डॉट इन को जो है डेवलप किया गया है, इस प्लेटफॉर्म को। ठीक, तो यहाँ पे जो है एक जो इंटर्नशिप प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ पे अगर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें इसकी, तो इंटर्नशिप मैनेजमेंट इंगेजमेंट इज़ फुल टाइम एंड डिजाइन टू बी अ वर्ल्ड क्लास लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द इंटरनी, मेंटेन्ड बाय अ सीजन्ड पॉलिसी मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन पेप एक्सपर्ट्स। उसके बाद यहाँ पे जो है मतलब हम अगर एरिया देखें, मतलब एरिया किस किस एरिया में होने वाले हैं, किस किस फील्ड के, तो यहाँ पे मैनेजमेंट टीम के लिए होने वाले हैं। ठीक, मैनेजमेंट टीम जो है वो इन्वॉल्व इन द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ माई गवर्नमेंट, रिक्वायर्स मैनेजेरियल एंड कंडीशन कोऑर्डिनेशन स्किल्स एज वेल एज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी। उसके बाद फिर पार्टनरशिप टीम में इन्वॉल्व होंगे, उसके बाद फिर सोशल मीडिया एंड रिसर्च एंड क्रिएटिव टीम, उसके बाद फिर HR टीम जो कि मतलब कि रिक्रूटमेंट में, और फिर HR ऑपरेशंस एक्टिविटीज़ होंगी उनकी। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग में होने वाले हैं, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो है यहाँ पे इन्फो डिज़ाइनिंग, इन्फोग्राफिक्स, लोगोस, बैनर्स, ये वगैरह वगैरह, मतलब बैनर्स जितनी भी डिज़ाइनिंग की है, तो मतलब वेबसाइट के लिए, सोशल मीडिया के लिए, एंड ये सब जो है डिज़ाइन के लिए है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। उसके बाद IT एंड टिक डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर, तो ये जो है मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए, जो कि मतलब माय गवर्नमेंट की प्लेटफॉर्म्स जो हैं इसके लिए, मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए, या फिर कुछ भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, या फिर टेस्टिंग के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए ये IT एंड टेक डेवलपमेंट का ये एरिया यहाँ पे प्रपोज किया गया है। ठीक, तो ये यहाँ पे टोटल 6 एरियाज हैं। आप इस 6 में से जितने जिसमें भी इंटरेस्टेड है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट्स की बात देखें, तो रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पे होने वाले, अगर आप जो है अंडर ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है, मतलब UG में हो, या फिर मतलब PG में हो, या फिर ग्रेजुएट हो चुके हों इस तरह के, फिर एक्सलेंट वर्बल एंड रिटेन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी जो मतलब इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल है वो मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि इंग्लिश, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, रिटेन एंड वर्बल दोनों।
ठीक, उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखें कि प्रोफिशिएंसी इन वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशंस, सोशल मीडिया टूल्स, कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइन, ये सारी चीज़ों में जो है आपका मतलब ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक, उसके बाद ईगर टू लर्न एंड वर्क एंड डिज़ायर टू इनोवेट एंड एक्सेल, मतलब लर्न के जो है मतलब लर्निंग क्या आप एकदम उत्तेजित होना चाहिए कि हाँ मुझे लर्न करना है, उसके बाद जो है कुछ नया करना चाहते हो आप, तो ये सब मतलब की है रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे। उसके बाद ड्यूरेशन जो है मिनिमम ड्यूरेशन 2 मंथ्स का होने वाला है, अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो फिर आपको वहाँ पे आपके मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, तो कोड ऑफ कंडक्ट द इंटेंट अपॉइंटेड बाय माय गवर्नमेंट शैल ऑब्जर्व माय गवर्नमेंट स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट विच शैल बी शेयर्ड बिफोर द सिलेक्टेड इंटर्न ज्वाइंस। ठीक, उसके बाद रिम्यूनरेशन, तो देर इज नो कैश रिम्यूनरेशन, मतलब कैश यहाँ पे कुछ पेड इंटर्नशिप नहीं है, ये फ्री फ्री इंटर्नशिप है, लेकिन यहाँ पे फायदा ये कि एक चीज़ है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक, अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट एक मिल जाता है। ठीक, उसके बाद जो है सर्टिफिकेट ऑफ मीन्स वही, अगर आप करते हैं अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप दे दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर अब हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करनी है इसके बारे में, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक कीजिए। पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करने के बाद ये आपको लॉग इन कहने के लिए मतलब देगा, तो यहाँ पे अगर आप के पास .gov.in या फिर NIC.in का जो है ईमेल एड्रेस है, तो फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं पहले से भी तो अपना ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ पे OTP से रजिस्टर कर सकते हैं ईमेल से और फिर मोबाइल नंबर से, उसके बाद या फिर आप सोशल प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लॉग इन कर लेते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लॉग इन हो गया हूँ मैं, यहाँ पे मतलब लॉग इन हो गया हूँ, और यहाँ पे मतलब कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे मांगा जा रहा है। इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे जो है शेयर कर दीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आपका कौन सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे आप किस एरिया में इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग एंड रिसर्च में आप इंटरेस्टेड हैं, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, या फिर IT एंड टेक डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, या फिर मार्केटिंग में, या फिर ह्यूमन रिसोर्स में, या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग में। तो इसमें से आप जिसमें भी मतलब कि इंटरेस्टेड हैं तो उस चीज़ को जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी एक को या फिर मल्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे जो है स्कूल कॉलेज तो 10th के, 12th के और ग्रेजुएशंस के, अगर आप हैं ग्रेजुएशन में अभी तो 12th तक, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इंटर करनी है। ठीक, एंड सब्जेक्ट टेकन, परसेंट ऑफ मार्क्स, ईयर ऑफ पासिंग ये भी, या फिर बोर्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, फिर स्कूल और कॉलेज, ये सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक, उसके बाद फिर वेन कैन यू ज्वाइन इफ सिलेक्टेड फॉर इंटर्नशिप, अगर आप यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप कब ज्वाइन करेंगे, तो इमीडिएटली या 15 डेज के बाद, या फिर 30 डेज के बाद, उसके बाद अदर्स, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे विच कैटेगरी डू यू बिलोंग्स टू, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप अगर जनरल से हैं, OBC से हैं, SC ST से हैं, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे है वर्क एक्सपीरियंस, आप वर्क एक्सपीरियंस कितना है आपका। आपका यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस कितना है, आप वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे लेस देन 6 मंथ एंड 6 मंथ टू 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर अपलोड योर CV, तो यहाँ पे आप CV आप एक बना लीजिए और वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो, अगर आपके पास है तो वो वाला यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर डिस्क्राइब इन 100 वर्ड्स वाई यू विश टू ज्वाइन माई गवर्नमेंट एंड हाउ यू वुड कंट्रीब्यूट, मतलब आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं और कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, ये चीज़ आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक, अपलोड अ सैम्पल ऑफ योर वर्क और
ऑफ नॉट मोर देन 2 पेजेस। ठीक, तो यहाँ पे जो है एक कोई भी आप जो है अपना एक सैम्पल अपलोड कर दीजिए। तो सैम्पल अपलोड कर आप जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का है, तो कोई भी आप एक आपने एक अच्छा सा पोस्टर डिजाइन किया है तो वो अपलोड किया कर दीजिए यहाँ पे, या फिर आप जिस फील्ड से भी है तो वहाँ पे एक अपने वर्क का एक सैम्पल अपलोड कर दीजिए यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे सोशल मीडिया प्रेजेंस, यहाँ पे आप जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर के अलग अलग सोशल साइट्स के यहाँ पे लिंक एंटर कर सकते हैं। उसके बाद मेंशन एनी 2 स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मतलब कोई 2 स्ट्रेंथ आपके और कोई 2 वीकनेस यहाँ पे आपको एंटर करना है। एंड 2 रेफरेंसेस यहाँ पे डालने हैं। तो रेफरेंसेस में क्या कीजिए कि मतलब रेफरेंस में आप किसी का भी नाम डाल दीजिए, दिक्कत नहीं है कोई। ठीक, उसके या फिर अगर आपके मतलब है कोई गवर्नमेंट जॉब में तो उसके डाल सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में, जो कि इनोवेटिव इंडिया का जो है मतलब कंटेस्ट, तो उसके बारे में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाके अप्लाई कीजिए इसमें। और बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है, तो आप तो यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा मतलब आप यहाँ पे टाइम टू टाइम आएँ और देखा करें कि मतलब यहाँ पे कौन कौन से कंटेस्ट हो रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ये सब है पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट, नेशनल रोड सेफ्टी, तो नेशनल रोड सेफ्टी 2021, तो मतलब पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट है यहाँ पे। और भी मतलब इस टाइप के बहुत सारे होते हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। फिर जैसे अभी एक ये वाला चल रहा है, जैसे टेक चैम्पियंस ऑफ इंडिया, लेट अस सेलिब्रेट द कम चैम्पियंस हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज राइज इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी फील्ड्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं इस तरह की। मतलब बहुत सारी मतलब कॉम्पिटिशन्स होते हैं यहाँ पे आते रहते हैं। आप यहाँ पे जो है आके एंड देखा करें तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो थैंक यू गाइस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा लेटेस्ट वीडियोस के लिए। और थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।